राम जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे। यहाँ मैंने बना लिया है पुलाव, पनीर कल की रखी हुई थी बर्थडे वाली, और कचौरी। तो बच्चे जा रहे हैं स्कूल, आज है इन लोगों का पेपर, तो इन सबको मैंने सिर्फ पुलाव बना दिया है। और सारा खाना कल का रखा हुआ था, फ्रिज में रख दिया था मैंने। बर्थडे के दिन मैंने सोचा था पुलाव बनाऊंगी, फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलाव कम पड़ेगा क्योंकि 1 केजी ही मैंने मंगाया था, इसलिए मैं दूसरे दिन सुबह सुबह बना दी हूँ। बच्चे खा के गए, मैं सारा काम घर का फिनिश करी हूँ। बहुत सारा काम था बर्थडे के दूसरे दिन, इतना घर गंदा मुझे लग रहा था कि 3 घंटे तो मैंने सफाई ही करी है, तब जाके अब पूजा करने जा रही हूँ। आज सुबह से काम करते करते एकदम हालत ख़राब हो गई। बर्थडे के दूसरे दिन ना काम बहुत पड़ जाता है, साफ़ सफाई घर का सारा काम। अब जाके सारा काम हुआ है, पूजा करने जा रही हूँ। मंडे है, टाइम ही नहीं मिला, 9:30 बज रहे हैं, सब बने रहिएगा। देखिए पूजा पाठ कर लिया था मैंने, नाश्ता भी कर लिया, फिर अभी 2:30 बज रहे हैं। यहाँ बगल में चली गई थी, रुद्राभिषेक हो रहा था क्योंकि सावन का अंतिम सोमवार है आज। तो जो लोग मतलब हर सोमवार कराते थे उन सबका आज मतलब समझ लीजिए उद्यापन टाइप था, तो वहाँ बैठी थी। पूजा उजा जो हुई उसको मैंने देखा, ढोलक उलक बजाया, घंटे 2-3 घंटे वहाँ बैठी थी। सासू माँ कल बर्थडे के दिन आई थी, तो अभी हैं वो, तो वही मैं वहाँ से आई हूँ प्रसाद लेके। तो मम्मी को भी मैंने दे दिया, मम्मी आप भी खा लीजिए प्रसाद। एक लोग लेके आते हैं, अगर 10 लोग खाते हैं तो 10 लोगों को भी फल प्राप्त हो जाता है ना, इसलिए मैंने घर में सबको दे दिया है, मम्मी को भी दे दिया है। कपड़े सारे सूख रहे थे, बेकार हो रहे थे, तो कपड़े सबसे पहले समेटी हूँ वहाँ से आते ही, क्योंकि धूप भी डैमेज कर देती है कपड़ों को। मैंने ये चीज़ ध्यान दी है फ्रेंड्स, आप लोगों ने दिया है कि नहीं, जो ये जो हम हिंदी भाषा मंथ की बात करें, जैसे कुंवार, कार्तिक, ये पौष वगैरह वगैरह होता है, हम ज़्यादातर जनवरी, फरवरी, मार्च मतलब अंग्रेजी कैलेंडर से ही जानते हैं। बट जब एकदम से हिंदी भाषा में जाओ तो कुंवार, भादव, सावन ये होता है ना, तो इन मौसमों में जब धूप होती है ना, इतनी आग वाली होती है कि आप अगर 2-3 घंटे धूप में रह जाओगे तो आपकी बॉडी आपको खुद बता देगी कि आप धूप में हो, मतलब एकदम अजीब सा लगता है। देखिए फिर मैंने दोपहर का खाना खाया, दाल चावल हल्का सा मैंने बना लिया था, सुबह वही खाए थे हम लोग, पुलाव, पनीर कल की और कचौड़ी। तो भूख लग रही थी, दाल चावल मैंने बनाया, सबको दिया, कपड़े भी चेंज कर लिए, खा भी ली हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है, 3:30 या 4 बज रहे होंगे। अब सफाई होगी घर की, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन शाम के टाइम में जो होता है हमेशा ही। और बहुत सारी फ्रेंड्स सिस्टर हैं बोल रही, साधना दी 2 दिन आपका ब्लॉग नहीं आया है, आपकी तबीयत ख़राब थी क्या? तो ऐसा कुछ नहीं था, बस यूं ही नहीं डाला मैंने ब्लॉग क्योंकि शूट नहीं करा है। कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ अगर मेरी वीडियोज अच्छे नहीं चलते, तो केवल यही एक रीज़न है, अगर चलते हैं तो मन लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है। तो आप सब सपोर्ट करिए, डेली ब्लॉग आएंगे ही। यहाँ पे अब बनने लगी है मैगी क्योंकि दाल चावल उन्होंने खाया नहीं है, बोल रहे थे भूख लगी है जल्दी से कुछ बनाओ, तो बस मैंने झटपट वाला काम किया है, सब वैसे डाल के पानी डाल दी हूँ, मैगी डाल दी हूँ और धनिया का पत्ता, मैगी मसाला बस। वैसे इप्पी की है, ये रेड हो जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा मसाले आप डालो या ना डालो। और इसे आज मैंने भुना नहीं है, नहीं मैं मैगी हमेशा जब बनाती हूँ ना तो पहले तल लेती हूँ जिससे उसका कलर थोड़ा सा ब्राउन आ जाए, लेकिन आज नहीं तली हूँ तो वाइट लग रही है। ये मेरी चाय बन गई है, शाम की चाय पीऊँगी। पुलाव थोड़ा सा बचा हुआ है, पुलाव दूध उबाल के रखा हुआ है, करौंदा मिर्ची की चटनी देखिए इतनी बची है। तो अब चलिए बच्चों को भी दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा, और मैं भी खाऊँगी आज, टेस्ट करूँगी बहुत थोड़ा सा। बच्चा पार्टी अभी खेल रही है बाहर, हम दोनों खा रहे हैं, इनको मैंने थाली भी दे रखा, वो उन्हें बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पे जो बेडरूम था हमारा, बेड था वो हट गया था कल, तो अभी आज ऐसे ही रहेगा, कल हम लोग बेड बिछाएंगे, थोड़ा सा स्पेस लग रहा, अच्छा लग रहा है, तो उसी वजह से मैंने कुछ सामान मंगाया था, बर्तन मांजने वाला है शायद और शैम्पू।
अंदर का सारा काम फिनिश कर लिया है। दोबारा देखिए फिर से बर्तन हो गए हैं मैगी वाला। जितनी बार नाश्ता करेंगे उतनी बार बर्तन होंगे। तो आज का ब्लॉग यहीं तक का था। इधर देखिए अगला मॉर्निंग है, यानी ट्यूसडे का दिन है, बच्चे जा रहे स्कूल, उनके लिए मैंने समोसा पूरी थोड़ी सी बना दी है और नॉर्मल पूरी भी मैंने बना ली है। ये देखिए हस्बैंड भी जाएंगे काम पे सुबह सुबह उठ के। बस आज ना दो तीन दिन का ब्लॉग जो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया था वही डाले दे रही हूँ। कंटिन्यू ब्लॉग जब कुछ काम होता है तो नहीं बन पाता है, आप सभी जानते हैं। आलू बैंगन की भुजिया सब्जी बनाई हूँ। ये देखिए कटोरे में मैंने निकाल लिया, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब हम सब्जी बनाते हैं ना तो काली पड़ ही जाती है, तो जब मैं बनाती हूँ तुरंत ही खाली कर लेती हूँ। एक सिस्टर बोल रही थी साधना दी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बहुत काली हो जाती है। इतनी काली नहीं होती है, बना के जस्ट आप उसे खाली करके अलग रख लो। तो देखिए सब लोगों को मैंने भेज दिया, विदा कर दिया, अपने अपने काम पे गए वो लोग। यहाँ पे मैं बिस्तर बनाऊंगी, ज़मीन में ही आज हम लोग सो रहे थे। मुझे ये डर लग रहा है कहीं कुछ जीव निकल ना आए, क्योंकि बारिश का भी मौसम चल रहा है। बारिश का ही समझ लो, बारिश हो या ना हो तो जैसे सांप बिच्छू बहुत सारे जीव हैं जो निकल सकते। एक दिन मैंने बताया था ना आप लोगों को, काली बिच्छू निकली हुई थी मेरे घर में, बहुत भयानक विषैली, तो निकल आती है। कितना भी आप साफ सफाई रखो, पक्का घर हो, कच्चा हो, खपरा हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ चीज़ें हो ही जाती हैं, तो हमें सेफ्टी रखनी ही चाहिए। बट ये बोले थे आज मेरा बिल्कुल मन नहीं, हिम्मत नहीं है, बेड खोलो हटाओ, बहुत सारा जाम होता है। और ये जो जगह है ना यहाँ अच्छा लगता है, जैसे छोटा मोटा काम होता है, कथा वगैरह डांस वांस बच्चे कर लेते हैं। अंदर घुस के जाओ तो वहाँ इतना स्पेस नहीं है, आप सभी देखते हैं मेरे ब्लॉग, इसलिए यहाँ मैंने बनवाया था। कल हम लोग यहाँ सेट करेंगे पूरा फिर से बिस्तर। बच्चे बोले मम्मी ऐसे रहने दीजिए अच्छा लगता है, बैठने बैठने के लिए आराम रहता है, नहीं तो बिस्तर पूरा हो जाता है तो स्पेस यहाँ कम रहता है। फिर देखिए सारा काम सुबह का मैंने फिनिश कर लिया, नहा ली हूँ, वही खाना खा रही हूँ जो मैंने अभी बनाया था, दिखाया आप लोगों को सब्जी पूरी। देखिए सुबह के बाद फिर शाम का टाइम हो गया है, कपड़े बहुत सारे भिगो के मैंने रखे थे, चद्दर, तकिए की खोली, ये सारी चीज़ें ना भीड़ भाड़ में हुआ ऐसा, इसे नीचे ही बिछा लिया हम लोगों ने, तो कुछ धूल मिट्टी से मुझे लग रही थी, तो बहुत सारे कपड़े मैंने भिगो के रखे थे, धुल ली हूँ। उसके बाद फिर चाय बन रही है शाम के टाइम में। ये देखिए सारा कपड़ा धुला हुआ है, क्योंकि जब हल्का भी आप देखते हैं बिस्तर में किस किस होता है ना, तो अजीब सा होता है फीलिंग, फिर लगता है नींद नहीं आएगी, तो कपड़े बिछाने वाले बहुत ज़्यादा साफ रखना पड़ता है। तो यहाँ बैठ के पीऊँगी चाय। उधर वो बोल रहे हैं कि आज बेड सेट करेंगे, अभी मैंने बताया ना मंडे के दिन का ब्लॉग जो भी आप लोगों ने देखा कि कल सेट करेंगे, तो आज ट्यूजडे है तो बेड सेट कर रहे हैं, तो वही बार बार बुला रहे हैं कि ईंट ऊँट ले आओ। बच्चे सब खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि इवनिंग के टाइम में उनके दोस्त भी आ जाते हैं, बच्चे उसमें बिजी हो जाते हैं, तो चाय छोड़ छोड़ के मैं उनका भी काम करवा रही हूँ। मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप कि ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन, फ्रेंड्स सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।